सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं, कोरोना रोकथाम के लिए जारी खरीद फरोख्त में भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा के आरोप लगा रही है और जिस पर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बड़ा पलटवार किया है। मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि भाजपा में सीधे तौर पर वर्टिकल डिवीजन है, मौजूदा वक्त में प्रदेश में बीजेपी का दोयम दर्जे का नेतृत्व है और प्रदेश भाजपा के नेता घर बैठे बयानवीर बन रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। प्रदेश भाजपा का नेतृत्व दोयम दर्जे के नेताओं के हाथ में है, ये कहना है सूबे के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का। मंत्री रघु शर्मा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए यहाँ तक कह दिया कि उनको पूछता ही कौन है। कोरोना संकट के समय भी उनके एक भी नेता ने संक्रमित क्षेत्र का दौरा नहीं किया। दरअसल RMSCL में कथित भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा नेता कांग्रेस पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा शुक्रवार को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर SMS अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड पहुंचे और वहां सामाजिक एवं आर्थिक विकास संस्थान के वृक्षारोपण कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान आरोप लगाने वालों पर चिकित्सा मंत्री ने कटाक्ष किया और कहा कि एक तरफ केंद्र में मौजूद बीजेपी के नेता कोरोना को लेकर राजस्थान में हो रहे काम की तारीफ कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रदेश भाजपा के नेता सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि भाजपा में सीधे तौर पर वर्टिकल डिवीजन दिख रहा है। देश का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी की तारीफ कर रहा सार्वजनिक रूप से कि जो मैनेजमेंट आपने किया है उसको अन्य राज्यों को फॉलो करना चाहिए, तो यहाँ बीजेपी के छुटभैया नेता कुछ भी कहते रहे, ये एक्सपोज हो रहे हैं खुद। ये गंदी राजनीति की बू आ रही है, ये करेंगे अच्छा है, इनका खुद का चरित्र उजागर हो रहा है। ये तो घरों में घुसे हुए हैं, एक दिन किसी हॉटस्पॉट पर गया हो बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष और जो बयान दे रहे हैं लंबे लंबे, मैंने उनको इन्वाइट किया था चलो रामगंज, गए नहीं, आओ अस्पताल के अंदर। ये बेचारे डॉक्टर्स और कंपाउंडर्स नर्सिंग स्टाफ ये अपनी जान जोखिम में डाल के हॉटस्पॉट पे भी काम कर रहे हैं और बीजेपी बंद कमरों में बयान दे रही है, ये पब्लिक देख रही है सारी चीज़, लोकतंत्र है ये, और ऐसे बयानबाजों को पब्लिक रेटिंग करना जानती है कि क्या ये किस रूप में बयान कर रहे हैं। इससे पहले कार्यक्रम में चिकित्सा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा नरेगा के कामों में भी ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण या वृक्षारोपण के काम को मंजूरी दी है। इसके अलावा निरोगी राजस्थान के 10 बिंदुओं में पर्यावरण को अहमियत दी गई है। उन्होंने आमजन का आह्वान करते हुए कहा कि पर्यावरण का संरक्षण करके आने वाले कल को संवारा जा सकता है। मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि सामाजिक एवं आर्थिक विकास संस्थान पिछले 13 सालों से पौधारोपण का कार्य कर रहा है, ऐसे पुनीत कार्यों में सभी संगठनों और संस्थाओं को आगे आना चाहिए। प्रदेश का पर्यावरण जितना अधिक संतुलित रहेगा प्रदेश में उतनी अच्छी बारिश होगी। मंत्री रघु शर्मा ने कोरोना काल में युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे चिकित्सकों और स्टाफ की जमकर तारीफ की और कोरोना वॉरियर्स का सम्मान भी किया। देखिए सीड्स के द्वारा पिछले 13 साल से ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, आज जिस तरह की महामारी के दौर से पूरी दुनिया देश और हमारा प्रदेश गुजर रहा है, ऐसे में अगर पर्यावरण संतुलित रहेगा प्रदेश का तो मैं समझता हूँ कि ये महामारी का प्रकोप कम होगा। हमने चाहे नरेगा के अंदर भी अनुमत कार्यों में एक काम ये भी रखा है ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने का, और ये जो निरोगी राजस्थान का कार्यक्रम जो मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है इसका भी एक प्रमुख 10 हमने टास्क रखे हैं निरोगी राजस्थान में, उसमें एक टास्क है प्रदेश का पर्यावरण बचाने के लिए भी हमारे प्रदेश में युद्ध स्तर पर काम होगा। ये सेट्स संस्था है, सोशियो इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट संस्था, इसको करीब जयपुर में 13 साल से हम फंक्शन कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है सो विश्व के पर्यावरण को कैसे बचाएं, न केवल कैसे पॉल्यूशन कम करें, पेड़ों की कटाई कम करें और जो पानी की दोहन हो रहा है पृथ्वी से उसको कम करें, साथ में जो नई नई बिल्डिंग्स, इसमें ज़्यादातर इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स के ग्रुप मिले हुए हैं, कंपाउंडर्स, नर्सेज, इंजीनियर्स, इनका ग्रुप है। सब लोगों की सोच एक है कि किस तरह इस धरती को, इस पृथ्वी को, का पर्यावरण को संतुलित रखें जिससे कि आगे आने वाली जो पीढ़ी हैं वो सुखी रहें। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर हमारा पूरा आह्वान था, हम 2013 से लगातार जो है ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम करते आ रहे हैं और उसमें सीड्स के माध्यम से हम कोलैबोरेशन में करते हैं। 10,000 पौधे सब सेंट्रल लेवल तक हमने आह्वान किया है, तो लक्ष्य 15,000 का है मगर 10,000 पौधों का तो आज ही लगाना है और बाकी सारे पौधे हर चिकित्सालय में 1, 2, 5 पौधे जितनी भी जहां आवश्यकता उस हिसाब से लगाया। कार्यक्रम में सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी, अस्पताल के अधीक्षक राजेश शर्मा, अति अधीक्षक अजीत सिंह, डॉक्टर जगदीश मोदी, डॉक्टर NS चौहान, गिरीश चौहान सहित राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र सिंह राणा और अन्य गण्यमान्य लोग मौजूद रहे। विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।